subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं NMR के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा केमिकल शिफ्ट. केमिकल शिफ्ट होता है बेसिकली पोजीशन ऑफ द NMR सिग्नलिंग, कि NMR का सिग्नल्स कहाँ कहाँ आते हैं और कैसे आते हैं. जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा NMR सिग्नलिंग्स हैं, हम खासकर बात करते हैं प्रोटॉन NMR की या PMR की, तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स के सिग्नल्स मिलते हैं. तो क्यों सारे हाइड्रोजन एटम्स के सिग्नल्स एक ही नहीं मिलते हैं, क्यों अलग अलग मिलते हैं, वो हम इस टॉपिक से समझने वाले हैं. क्लियर होगा हमारा पूरा फंडा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सो इफ यू वांट टू वॉच मी रेसिड्यूस रिगार्डिंग द NMR और स्पेक्ट्रोस्कोपी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक और बाय यूजिंग द गिवन लिंक गिवन इन द आई बटन. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ नोट्स वगैरह देख सकते हैं. सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक. सो NMR मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सपोज हमारे कोई स्पिनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, खासकर न्यूक्लियस है, तो वो स्पिन करते रहते हैं. उससे क्या होता है, उस चार्ज पार्टिकल्स में अगर मोशन होते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं. ठीक है, अगर हम उस चार्ज मॉलिक्यूल्स को या चार्ज एटम को या चार्ज न्यूक्लियस को जो कि स्पिन कर रहा है, जिसके थ्रू वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, अगर हम उसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार वो पैरेलल अलाइन करता है अपने आप को, जिससे उसमें एक प्रिसिजन फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है. अगर हम उसमें कहीं से रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो उस रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर उस प्रिसिजन फ्रिक्वेंसी से मैच करती है, तो जो पैरेलल अलाइंड हुए रहते हैं वो क्या होंगे, उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके एंटी पैरेलल अलाइन होंगे, जिससे हमको NMR सिग्नल्स मिलता है. ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की. तो प्रोटॉन एक तरीके से NMR एक्टिव है, जिसकी आई की वैल्यू क्या होती है, या स्पिन क्वांटम नंबर होता है +1/2, मतलब हाफ होता है. इसमें दो पॉसिबल ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है, आपका MI प्लस हाफ और माइनस हाफ. या तो वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइंड होंगे या अगेंस्ट द अलाइंड होंगे. ठीक है, क्लियर. तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमारा इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूल्स है. इस इथाइल एल्कोहल में बेसिकली हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने हैं, इसमें 6 हाइड्रोजन एटम हैं, या हाइड्रोजन या प्रोटॉन है. तो जाहिर सी बात है, हम NMR पे काम करेंगे तो सारे हाइड्रोजन एटम के एक ही पिक आने चाहिए इस तरीके से, है ना, केवल सिंगल पिक होना चाहिए. बट क्या सिंगल पिक आती है, आंसर है नहीं, सिंगल पिक आपके नहीं आएगी, ये नहीं आएगी. तो क्यों नहीं आएगी, इसी क्वेश्चन का आंसर हमको मिलता है केमिकल शिफ्ट को पढ़ने के बाद. ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, तो इस मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो फ्रीली नहीं है. सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर एक जैसा नहीं है, उनके एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है, क्योंकि वो हर एक हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ने वाले एटम्स की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जो है अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं. तो इसलिए इस इथाइल एल्कोहल में हमको 3 सिग्नल्स मिलते हैं, एक हमारा है OH का, एक हमारा है CH2 का, और एक हमारा है CH3 का. ठीक है, एक OH है, एक CH2 है, और एक हमारा CH3 है. अब मैंने यहाँ पर ही क्यों लिखा कि यहाँ पे OH लिखा, CH2 लिखा, CH3 लिखा, और ये क्या है, ये भी सिग्नल्स इसी के हैं, ये OH के सिग्नल्स हैं, ये हमारा CH2 के सिग्नल्स हैं, हमारा CH3 के सिग्नल्स हैं. तो ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों आता है, ऐसा क्यों नहीं आता, सिंगल पिक नहीं आता, ये आपके मल्टीपल पिक्स में आते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लेट. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, एक तरीके से रो रेजोल्यूशन है या हाई रेजोल्यूशन है. तो ये होता इसलिए है क्योंकि इन्वायरमेंटल इफेक्ट उस पर होता है. अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट दो तरीके से हो सकते हैं, एक होता है हमारा केमिकल शिफ्ट, एक होता है हमारा स्पिन इंट्रैक्शन या स्पिन कपलिंग या स्पिन स्प्लिटिंग. तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा स्पिन स्प्लिटिंग का है, स्पिन स्प्लिटिंग की वजह से भी आपके जो पीक्स हैं वो सिंगलेट नहीं आते हैं. और ये जो डिस्टेंस हैं, कौन सा इधर है कौन सा उधर है, वो डिपेंड करता है हमारा केमिकल शिफ्ट से. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो एटम्स हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे एटम्स में जुड़े हुए हैं, है ना. ठीक है, तो इनके जो बिहेवियरल है वो अलग अलग होगी. ये हाइड्रोजन अलग बिहेव करेगा,
ये हाइड्रोजन अलग बिहेव करेगा, ये हाइड्रोजन अलग बिहेव करेगा, तो इसलिए इसमें तीन पीक पॉसिबल है, ए बी और सी। अब इस हमें समझेंगे कि ये आपके कौन सा किधर होगा, कौन सा हायर फील्ड पे एब्जॉर्ब होगा, कौन सा नियर फील्ड पे एब्जॉर्ब होगा। चलिए अब आते हैं सेकेंड। ऐसे हम जानते हैं कि अब एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ा सा, कि आपका जैसे कि ये हमारा एटम्स हैं, मान लो ये एटम्स जो हैं बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इस बॉन्ड में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस इलेक्ट्रॉन से ही तो आपका बनेगा ना बॉन्ड, ठीक है, इसमें बॉन्ड्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं, चार्ज पार्टिकल हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उन पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें क्या होता है, लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसे बोलते हैं लोकल डायमैग्नेटिक करंट। और इस लोकल मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के उसको अपोज करता है, उसके फील्ड को अपोज करता है, विच अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है, वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। आप समझिए बात को, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है, जब वो न्यूक्लियस स्पिन करता है एंटी क्लॉक वाइज, तो आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन इस तरीके से होता है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर आपका साउथ है, ठीक है। हमने जो एच जीरो है या अप्लाइड फील्ड है, उसको हमने सपोज क्या लिखा है, 1.4 टेस्ला हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस पे 1.4 टेस्ला हमने अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या वो फील कर रहा है 1.4 टेस्ला, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मूवमेंट कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो भी उनमें आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे तो उनमें मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके इस तरीके से होगा, जहां पे इधर आपका नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, तो यहां पे क्या होगा, साउथ साउथ, और इधर आपका होगा नॉर्थ। तो नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे ना। सो इसका क्या मतलब हुआ, सो द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विच इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो हम अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं उसको, जो इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक फील्ड हैं उसको अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब उस न्यूक्लियस पे कंप्लीट जो 1.4 टेस्ला हम लोग पास करा रहे हैं वो कंप्लीट उसको नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं उस पे प्रोटेक्शन हो रहा है, दैट कॉल द शील्डिंग। वो क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस प्रोटॉन को एक तरीके से या इस न्यूक्लियस को सील्ड कर रहे हैं, ठीक है, किससे, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड से। तो जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड फेल्ट बाय ए न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस कितना फील करेगा, जो हम अप्लाई कर रहे हैं माइनस जो इंड्यूस हो रहा है बाय द इलेक्ट्रॉन। ये हमने अप्लाई किया किसके थ्रू, मैग्नेट के थ्रू, और जो एच इंड्यूस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शील्डिंग इफेक्ट उसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो कम फील करेगा जितना हम अप्लाई कर रहे हैं। तो H इंड्यूस इज इक्वल टू होता है सिग्मा H अप्लाइड। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू H इंड्यूस अपॉन H अप्लाइड। तो सिग्मा का जो है, सिग्मा को हम लोग शील्डिंग पैरामीटर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस एरिया पे होगा, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस एरिया पे होगा, उतना ही वो शील्डेड होगा, उतना ही उस पे जो प्रभाव है एक्सटर्नल फील्ड का कम होगा, मतलब उतना ही वो कम मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें तीन पिक आते हैं, एक होता है OH का, तो OH की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू द CH2। इस पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं इन हाइड्रोजन एटम पे वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द OH, और इस CH3 पे जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, उस CH3 पे आपके हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड की या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इफेक्ट है, तो उस वो जो है हाईली शील्डेड हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये आपके हाईली हाई शील्डेड हैं एज कंपेयर टू द अदर प्रोटॉन या अदर हाइड्रोजन एटम, इसलिए इसके जो पीक्स हैं वो आपके हायर रेंज तरफ आएंगे, जो हम लोग अप्लाइड फील्ड करेंगे ना वो हायर पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो फील कम कर रहा है। सपोज ये समझ लेते हैं कि अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो 1.4 टेस्ला पे वो पीक देगा,
है ना। लेकिन अगर वो प्रोटेक्शन जो हैं, अगर उसको प्रोटेक्टेड हैं, सील्डेड हैं, तो 1.4 टेस्ला से ज़्यादा लगेगा। जो जितना ज़्यादा सील्डेड होगा उसको उतने ही आपके अप्लाइड फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो 1.4 तक पहुंच सके। एग्जांपल लेते हैं, सपोज जो हमारा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये OH है, ये OH कम प्रोटेक्शन है, तो इस पर सपोज कि 0.2 जो है H इंड्यूस हो रहा है, मान लेते हैं, ये जस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए। इस पर समझ लीजिए सील्डेड थोड़ा सा कम है इसके कंपेयर पे, तो सपोज ये जो फील कर रहा है ना, इसी कंपेयर ज़्यादा है, ये सील्डेड है ना, तो ये सपोज जो है इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.4 जो है वो H इंड्यूस इस पर फील हो रहा है या उसमें अप्लाई हो रहा है, और ये हाईली सील्डेड है, हाईली प्रोटेक्टेड है, तो सबसे कम ये आपके फील करेंगे। सपोज जो H इंड्यूस है वो क्या होंगे, सपोज वो होंगे, सपोज मान लेते हैं 0.8 मान लेते हैं आपका H इंड्यूस होगा, तो कितना कितना फील कर रहे हैं, तो ये क्या होगा इसके लिए, तो एग्जांपल ग्रुप में ले रहे हैं, ये केवल एग्जांपल ग्रुप में, तो CH3 के केस में क्या होगा, H फेल्ट अप्लाइड कितना है 1.4 अपॉन 0.8, तो कितना हो गया 0.6 है ना। CH2 के केस में 1.4 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 1, और OH के केस में 1.4 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 1.2। तो जो जितना ज़्यादा सील्डेड होगा वो उतना ही जो अप्लाइड फील्ड हो कम महसूस करेगा, तो उसे उतना ही रिक्वायरमेंट होगी, 1.4 टेस्ला पे पीक देगा। तो ये आपके जो OH को केवल आपके केवल हम लोग 0.2 पे ही, 0.2 अगर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, 1.4 मान दे रहे हैं तो 1.6 बढ़ाएंगे है ना, तो क्या आएगा, मान लो इस पे क्या है, मान लो हमारे हम लोग 1.6 दिए तो क्या होगा, तो 1.6 माइनस 0.2 तो कितना हो जाएगा 1.4, क्योंकि 1.4 पे पिक देता है, तो इसके लिए 1.6 देना पड़ेगा। सेम इसके लिए कितना देना पड़ेगा, इसके लिए 0.4 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो कितना 1.4 प्लस 0.4 ये हो गया 1.8, तो ये 1.8 के हिसाब से 1.8 फील्ड पे एक तरीके से टेस्ला पे अपना पिक देगा, और ये आपका जो CH3 है 0.6 है, तो इसको 0.8 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब लगभग कितना 1.4 प्लस 0.8 2.2, तो ये जो है 2.2 टेस्ला पे पिक देगा। तो कहने का मतलब ये है जो जितना ज़्यादा सील्डेड होगा ना उसको रेजोनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। सो कॉन्सेप्ट क्या है, मोर सील्डेड प्रोटॉन एटम्स गिव सिग्नल एट द हायर मैग्नेटिक फील्ड, जो मोर सील्डेड होगा वो हायर मैग्नेटिक फील्ड पे अपना पिक देगा इन लीनियर स्वीप मेथड एंड एट लोअर फ्रिक्वेंसी एट फील्ड स्वीप मेथड। अब ये क्या है हम आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, सपोज दो मेथड है, फील्ड स्वीप मेथड एंड लीनियर स्वीप मेथड। अब समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है फील्ड स्वीप वो वेरिएबल होते हैं और RF क्या होगा, फिक्स होगा। अगर हम 60 मेगाहर्ज, दो मशीन तरीके से काम करती है, एक 60 मेगाहर्ज पे, एक 100 मेगाहर्ज पे। अगर हम 60 मेगाहर्ज अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 टेस्ला की रिक्वायरमेंट होती है पीक लाने के लिए या इनमार सिग्नल्स को गेन करने के लिए। अगर हम 100 मेगाहर्ज पे काम कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2.3 टेस्ला रिक्वायरमेंट होती है ना, ये फिक्स होगा 100 मेगाहर्ज और 60 मेगाहर्ज। तो मिले हम 60 मेगाहर्ज पे काम करते हैं तो उस पर हम बात करते हैं, तो ये जो है अब इस केस में ये फिक्स है लेकिन ये वेरिएबल है। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब उसको जीरो से लेकर आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे जब तक पीक ना आ जाए। तो अगर फ्रीली प्रोटॉन फ्रीली है, कोई भी सील्डेड नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, किसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन उस पर डायमैग्नेटिक करंट अप्लाई नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस पर कोई भी अपोज नहीं करेगा आपके अप्लाइड फील्ड को।
तो एक तरीके से वो 1.4 टेस्ला पे अपना पीक देगा, समझिए बात को, है ना। तो यहाँ पर होता है, जबकि इस केस में क्या है, लिनियर स्वीप मेथड में हमारा ये जो है आपका, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो है बिल्कुल फिक्स होता है अप्लाइड फील्ड, वो होता है 1.4 टेस्ला। तो ये आपका होता, आरएफ क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो इस केस में क्या होता है, अगर हमने 1.4 टेस्ला हमने अप्लाई कर दिया है, तो आपके जो फ्री प्रोटॉन्स हैं जहां पे कोई शील्डेड नहीं है, वो हमारे क्या होंगे, 60 मेगाहर्ज पे हमारा पीक देंगे, ठीक है। अब समझिए, अब बात करते हैं इसकी जो कि हाईली शील्डेड है, ताकि अब डिसील्डिंग उसके अपोजिट है, शील्डेड और डिसील्डेड। शील्डेड मींस हाईली प्रोटेक्टेड, डिसील्डेड मींस लो प्रोटेक्शन, एक समझ लिए। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो सबसे हाई है, हाई डेंसिटी है, तो उसकी वजह से इसमें डायमैग्नेटिक करंट हाईली फ्लो हो रहा है। उस डायमैग्नेटिक करंट की वजह से आपके उस एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो कि एक तरीके से अपोज कर रहा है किसको, हमारे अप्लाइड फील्ड को। तो ये सबसे लो मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, है ना, क्लियर है। तो क्या होगा, अब जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है हमारे अप्लाइड फील्ड पे, ठीक, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे 60 मेगाहर्ज फिक्स है और 1.4 टेस्ला चाहिए, तो ये सपोज फील कर रहा है, कितना फील कर रहा है, मान लेते हैं सपोज ये केवल जो है 0.8 ही फील कर रहा है या 0.6 कर रहा है ना, तो जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं 1.4 टेस्ला पे पीक नहीं आएगी, ये हायर रेंज पे, या इसकी जो रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी की, या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की, वो हाई होगी। सो दैट गिव सिग्नल एट द हायर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होगा, जैसे हम बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को, बढ़ाते जाएंगे, तो जब वो 1.4 टेस्ला फील करेगा तभी वो पीक आएगा, अगर हमने एच जो है हमने बढ़ाते जाएंगे तो। तो ये 1.4 पे नहीं आएगा, उससे हायर रेंज पे आएगा, ये मान ले, समझने के लिए है, ठीक है। सेम बात करें इसकी, ये आपका इसके कंपेयर पे कम शील्डेड है, तो ये जो फील है, जो मैग्नेटिक फील्ड फील है, वो कम कर रहा है, क्योंकि देखो हमने 60 मेगाहर्ट्ज़ फिक्स कर दिए हैं, 60 मेगाहर्ट्ज़ का उसका फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो जो प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी है, जो प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी है वो 60 मेगाहर्ट्ज़ होगी, तभी तो पीक आएगा ना। तो जाहिर सी बात है, ये जो है बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है, हमने हमने जब पास आउट कर रहे हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड को, तो जाहिर सी बात है ये 1.4 टेस्ला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो 1.4 टेस्ला पे वो फील नहीं कर रहा है उतना, वो कम कर रहा है, तो उसकी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो हमको उस 60 मेगाहर्ट्ज़ के करीब लाना है, उसको हमको मैच करना है, तो हम अप्लाइड फील्ड को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे उसकी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, और जैसी वो 60 मेगाहर्ट्ज़ के इक्वल होगी वैसे पीक आएगा, ठीक। अब ये उसके बाद जो है थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर रहा है अपने पे। सपोज ये हमने बात की थी कि ये केवल 1.6 फील कर रहा है, और सपोज ये मान लो 1 फील कर रहा है, तो 0.4 का ही अंतर है। ऐसे हम लोग 1.4 के अप्लाई करते जा रहे हैं, थोड़ा सा जो है क्योंकि फील कम कर रहा है, तो फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम होगी, और जैसे थोड़ा सा फील्ड बढ़ाएंगे तो वो 60 के पास पहुंच जाएगा और वो पीक देगा। तो ये पीक इसके इस तरफ आता है, फिर देन OH का, ठीक है, क्लियर है। सो हाईली शील्डेड प्रोटॉन रिक्वायर्ड हायर मैग्नेटिक फील्ड टू गिव द सिग्नल। लेकिन बात करें लीनियर स्वीप मेथड पे, लीनियर स्वीप मेथड पे आपका 1.4 टेस्ला फिक्स है, आरएफ अलग अलग होता है, तो 1.4 टेस्ला पे अप्रोक्सीमेटली 60 मेगाहर्ट्ज या जो है पे वर्क करता है, 60 मेगाहर्ट्ज जो है वो आपका क्या होगा, एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू वो अपना पीक देगा। बट क्या ये 60 मेगाहर्ट्ज जो प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी है, क्या इनकी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज होगी, नहीं होगी, क्योंकि फ्रीली नहीं है, ये शील्डेड है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से महसूस कम कर रहे हैं। तो जितना वो कम करेंगे उतना प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर ये जो है केवल 0.6 टेस्ला फील कर रहा है, तो उसकी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, लो होगी, इट हैव लो
प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी, इसकी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो ये 60 मेगाहर्ट्ज के पहले ही अपना एब्जॉर्प्शन दे देगा, क्लियर है। इसलिए हाईली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स गिव द सिग्नल एट हायर मैग्नेटिक फील्ड इन फील्ड स्वीप मेथड एंड एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसी इन लीनियर स्वीप मेथड। तो फील्ड स्वीप मेथड में हमारा जो हाईली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर फील्ड पे अपना पिक देंगे, जबकि लीनियर स्वीप मेथड पे वो लो फ्रीक्वेंसी पे अपना पिक देंगे, क्लियर है। क्योंकि इस पर केवल 0.6 टेस्ला का प्रभाव पड़ रहा है, तो 0.6 टेस्ला का प्रभाव पड़ रहा है, तो हो सकता है वो केवल 20 मेगाहर्ट्ज के बराबर ही अपना प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी रख रहा हो, है ना। तो हम 20 तक पहुंचेंगे तो पिक दे देगा, लेकिन अगर ये 1. आपका मान लेते हैं ये, क्योंकि सबसे लो सिलेक्टेड है, मान लो ये 1.24 फिल कर रहा है, तो 60 से कुछ ही कम होगा। ये मान लो 40 पे प्रिसिशनल कर रहा हो, तो इसके लिए सपोज 20 है, तो इसके लिए 40 मेगाहर्ट्ज पे ही काम चल जाएगा, मान लेते हैं। जो एकदम हाईली सिलेक्टेड हैं वो अलग केस है, ठीक, समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्टेड प्रोटॉन एटम गिव सिग्नल एट हायर मैग्नेटिक फील्ड इन लीनियर ये उल्टा हो गया है एक्चुअली में, सिलेक्टेड प्रोटॉन एटम गिव सिग्नल एट द हायर मैग्नेटिक फील्ड इन फील्ड स्वीप मेथड एंड एट लोअर फ्रीक्वेंसी इन लीनियर स्वीप मेथड, ठीक है, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ठीक कर दूंगा नोट्स में। चलिए अब आते हैं कैसे करते हैं काम। अब कहीं ना कहीं हम इसको किसी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जो ग्राफ देखेंगे एनएमआर का, तो वो होता है डेल्टा पीपीएम में होता है। ये डेल्टा पीपीएम को हम लोग केमिकल शिफ्ट से जानते हैं, आप बुक में ही पढ़े होंगे। उसमें एक हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रूप में टीएमएस, टेट्रामेथाइल सिलेन। टेट्रामेथाइल सिलेन में बेसिकली 12 प्रोटॉन्स होते हैं, और 12 प्रोटॉन्स जो हैं इक्विवेलेंट नेचर के होते हैं, उनमें इन्वायरमेंटल जो है एक ही नेचर का होता है, और वो सबसे हाईली सिलेक्टेड होता है। तो वो सबसे हाईली मैग्नेटिक फील्ड पे अपना पिक देगा, या सबसे लो फ्रिक्वेंसी पे पिक देगा, यह हम मांग चलते हैं। तो हम कंपेयर इससे ही करते हैं। सो इट इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड और रेफरेंस। ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट एंड हाईली सिलेक्टेड। मोर सिलेक्टेड प्रोटॉन एटम्स गिव सिग्नल एट द हायर मैग्नेटिक फील्ड इन फील्ड स्वीप मेथड एंड एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी इन लीनियर स्वीप मेथड। ये हम चेंज कर लूंगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि लीनियर स्वीप मेथड में हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे ही अपना पिक दे देगा, ठीक। इसके अलावा हम सोडियम साल्ट ऑफ ट्राइमेथाइल सिलाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड भी एज ए स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखिए, ठीक है। ये हमारा क्या है टीएमएस, ये हमारा है हाईली सिलेक्टेड, ठीक है। ये क्या है हमारा हाईली सिलेक्टेड, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए तो देख लेना, है ना। तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से शील्डिंग रीजन होगा। इसके आसपास जब पीक आएंगे ना, इसके जितने करीब होंगे वो शील्डेड रीजन्स के होंगे, इसे हम अप फील्ड भी बोलते हैं। और एक तरीके से ये क्या है फील्ड, लो मैग्नेटिक फील्ड। इनका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फील है बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड से प्रोटेक्टेड रहेंगे। उनसे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो कि डायमैग्नेटिक के थ्रू होता है, वो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड को अपोज करते हैं, जिससे उनका फील्ड बहुत ही कम होता है। इसलिए ये एब्जॉर्ब द हाई मैग्नेटिक फील्ड और लो फ्रिक्वेंसी, ये मांग के चलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके बाकी के कंपेयर पे लो फ्रिक्वेंसी पे आते हैं। हम लोग बात करते हैं फ्रिक्वेंसी पे, चलो हम लोग बात करते हैं लीनियर स्वीप मेथड पे। सबसे लो फ्रिक्वेंसी पे मेजर करते हैं, सपोज मान लेते हैं जीरो, उस जीरो तो होगा नहीं, एक स्टैंडर्ड 1.4 टेस्ला पे बेसिकली 60 मेगाहर्ट्ज जो है स्टैंडर्ड है, तो वो मैक्सिमम है 1.4 60 मेगाहर्ट्ज पे वो आप हमारा
एब्जॉर्ब होगा, सबसे लो फ्रिक्वेंसी भी मान लेते हैं, तो बाकी लोग इससे हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके कंपेयर पे मान लेते हैं कि वो आपका हायर होगा, जाहिर सी बात है। तो अब ये जो रीजन्स हैं, जितना वो दूर जाएगा आपका, वो हमारा टीमेस के लिए हमारा डेल्टा वैल्यू जीरो होता है, टेन होता है, क्यों होगा आगे हम पढ़ेंगे मैथ्स के हिसाब से। ये जो हमारे रीजन्स हैं उसे हम बोलते हैं डी सील्डिंग रीजन्स या डाउन फील्ड रीजन, जिसे हम फील हायर मैग्नेटिक फील्ड देन द सील्डेड न्यूक्लियस। तो सील्डेड न्यूक्लियस हैं, जैसे कि हमारा ये हाईली सील्डेड है, ये क्या हमारा हाईली सील्डेड है, तो इसके कंपेयर पे बाकी जो हैं वो एक तरीके से डी सील्डेड होंगे, कंपेरेटिव होंगे, है ना। सबसे कम ये होगा, इस तरफ जो है सबसे लोवेस्ट हैं, सबसे हाईएस्ट ये है, क्या प्रोटेक्शन या सील्डिंग, हाईएस्ट सील्डेड, लोएस्ट सील्डेड, जिसे हम कई बार डी सील्डिंग भी बोलते हैं, ठीक, डी सील्डेड, ठीक, क्लियर है। तो ये इट एब्जॉर्ब एट लो मैग्नेटिक फील्ड और हायर फ्रिक्वेंसी देन द सील्डेड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो डेल्टा की वैल्यू है वो जीरो से टेन होती है। अब कैसे, क्योंकि हम बात करें मैथ्स के हिसाब से, तो हम जैसे कि ये है हमारा मैथ्स हिसाब से, तो हम डेल्टा पे क्यों लेते हैं, डेल्टा पे इसलिए लेते हैं, सपोज हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, एग्जाम्पल रूप में समझते हैं ना, एग्जाम्पल, एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है, बट हम समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ताकि आपको समझ में आ सके। सपोज जो TMS है, जो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है, तो जो TMS की जो प्रिस्टम फ्रिक्वेंसी होगी, सपोज मान लेते हैं 60 MHz पे है, 1.4 टेस्ला उसमें अप्लाइड है, तो वो सपोज उतना फील कर रहा है, मान लेते हैं उतना फील कर रहा है, उससे हायर फील कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 1.4 टेस्ला पे 60 MHz की प्रिस्टम फ्रिक्वेंसी होगी, और वो 60 MHz पे जो है आपका एब्जॉर्ब करेगा, जो कि सबसे लोएस्ट होगी मान लेते हैं। तो जो VTMS है, सपोज VTMS जो है 60 MHz पे, या इसको हम 6 भी कर सकते हैं हर्ज पे, आप समझिए बात को, क्यों मैं ये बता रहा हूं। अब कोई कंपाउंड्स हैं, सैंपल हमारा है, मैंने कहा क्या है, हाईली सील्डेड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एट द लो फ्रिक्वेंसी, सबसे हाईली सील्डेड मॉलिक्यूल्स हैं। अब बात करें इस कंपाउंड की CH3Br, जो कि इसके कंपेयर पे सील्डिंग इसका कम है, इनके जो प्रोटॉन्स हैं वो इसके कंपेयर पे थोड़ी सी सील्डिंग कम है, डी सील्डेड है, जाहिर सी बात है वो आपके लोअर मैग्नेटिक फील्ड पे एब्जॉर्ब होंगे या फिर हायर फ्रिक्वेंसी पे होंगे, क्लियर है, जस्ट अपोजिट, कैसे, ऑलरेडी मैंने अभी बताया, ठीक है, क्योंकि ये लो मैग्नेटिक फील्ड हाई मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहे हैं इसके कंपेयर पे, जो फीलिंग है, तो ये आपके थोड़े से फ्रिक्वेंसी इसमें जा लेगी, क्योंकि इसकी जो प्रिस्टल फ्रिक्वेंसी होगी ना, इसके प्रिस्टल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी। इस केस में जो आपका प्रिस्टल फ्रिक्वेंसी है, प्रिस्टल फ्रिक्वेंसी ऑफ TMS इस लेजर देन द प्रिस्टल फ्रिक्वेंसी ऑफ CH3Br, याद रखिए। तो जाहिर सी बात है इसकी कम होगी, इसकी हाई होगी, तो ये हायर पे एब्जॉर्ब होगा, तो ये होगी मान लेते हैं, ये होता है एक्चुअली में 6 1 2 3 1 6 2, ठीक है। तो ये आपका मेगाहर्ज, 1 MHz मतलब कितना होता है 10 60 10 6, तो इसलिए हमने 60 लगा दिया, ठीक, 62 पे। तो डिफरेंस है दोनों के बीच का, डिफरेंस कितना है दोनों का बीच का, डिफरेंस जो है केवल 162 Hz है, कितना हर्ज है 162। तो अगर कोई 60 MHz पे पीक आ रहा है TMS का, तो जो इसका सैंपल कितना आएगा, यहीं पे आएगा, ग्राफ में आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम मेगाहर्ट्ज पे बात कर रहे हैं और डिफरेंस केवल हर्ज पे है। तो अब डेल्टा क्या होता है, इसलिए हम इसमें करते हैं डेल्टा पे, जो यूनिट डिफरेंस है, यूनिट डिफरेंस की बात करें तो क्या होगा, ठीक है, सैंपल माइनस TMS अपान TMS, तो क्या होगा, इनके बीच डिफरेंस कितना है 162 मेगाहर्ज है अपान 60 × 10⁶, ये आपके मेगाहर्ज में है, तो इधर अगर हर्ज होगा,
इस तरफ यूनिट जो अगर हर्ज होंगे तो यहाँ भी तो हर्ज होगा, इक्वल होना चाहिए ना यूनिट पे, तो ये होगा। तो इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 2.7 इंटू 10^-6 अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो। ये पर यूनिट है, डिफेंस यूनिट, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको करते हैं डेल्टा, डेल्टा PPM, पार्ट्स पर मिलियन। एक पार्ट्स में अगर एक है तो 1,00,000 पार्ट्स में 1,00,000 होगा, या 1,000,000 में 1,000,000 होगा, तो पार्ट्स पर मिलियन, तो 1,000,000 में कितना है, तो जो भी हमारा डिफरेंस नीट आएगा वो क्या आएगा, 2.7 इंटू 10^-6 इंटू 10^6। ये एक पार्ट्स का वैल्यू है, ठीक है, ये एक पार्ट्स में इतना इसमें कंटेंट है, यूनिट डिफरेंस है, तो हमारा 1,000,000 पार्ट्स में कितना होगा, इतना होगा, जाहिर सी बात ये कट जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला जो होता है अल्टीमेटली फार्मूला जो हम लिखते हैं, ये ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये होगा हमारा डेल्टा PPM इज इक्वल टू वी सिंपल माइनस वी TMS या स्टैंडर्ड है ना, इन हर्ज एंड वी TMS इन मेगा हर्ज, क्लियर। तो इसलिए हम डायरेक्टली अगर हम लोग इसको डिफरेंस कितना आया था, 162 डिफरेंस था, इस पर हर्ज पे डिफरेंस था, दोनों पे बीच में डिफरेंस, और कितना TMS है मेगा हर्ज पे 60 है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया हमारा 2.7। तो अगर TMS को हम जीरो मान लेते हैं स्टैंडर्ड रूप में, तो डिफरेंस कितना है, 2.7 का डिफरेंस है, ठीक है। अब जीरो क्यों मानेंगे, जाहिर सी बात है अगर हमारा सैंपल और टेस्ट एक ही होगा तो ये हमारा 60 MHz पे ये कर रहा है और 60 MHz पे ये कर रहा है, तो क्या होगा, 0/60 होगा, तो आंसर जीरो आएगा ना। तो डेल्टा PPM क्या होगा, किसके लिए, फॉर TMS, जीरो होगा ना इस फॉर्मूला के हिसाब से, इसलिए जीरो। इससे कितना हो गया, यहाँ पर होगा आपका ये होगा 2.7, किसके लिए, CH3Br के लिए, इस प्रोटॉन के लिए होगा, याद रखिए TMS। तो जितना इसके अराउंड जितना इधर जाएगा ना वो क्या होगा, वो होगा डाउन फील्ड, वो क्या होगा हमारा डाउन फील्ड, जिसे हम डीसील्डेड रीजन भी बोलते हैं, ठीक। आई होप आप अभी तक समझ गए होंगे केमिकल शिफ्ट क्या है। केमिकल शिफ्ट इज द पोजिशन ऑफ NMR सिग्नलिंग एज कम्पेयर टू द TMS विच इंडिकेट द सैंपल्स और एटम्स आर आदर सील्डेड और आदर डीसील्डेड। कौन से सील्डेड होंगे, जो TMS के करीब होंगे वो सील्डेड होंगे, मतलब वो हाईली प्रोटेक्टेड होंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, उनपे जो डायमैग्नेटिक करंट है वो अच्छी होगी, उससे जो इंड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड है वो हाई होगी, और वो मैक्सिमम आपके जो एक्सटर्नल फील्ड से फील्ड आ रही है उसको अपोज कर सकते हैं, हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं, तो वो सबसे लो मैग्नेटिक फील्ड आपके फील कर रहे हैं, उसकी वजह से उसमें प्रिंसिपल फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, इसलिए या लीनियर स्वीप मेथड पे वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो कम फील होने की वजह से उसकी प्रिंसिपल फ्रिक्वेंसी कम है बाकी से, ठीक, क्लियर, जस्ट अपोजिट डीसील्डेड का। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द केमिकल शिफ्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फैक्टर ऑफ द केमिकल शिफ्ट, ठीक है। अब हम लोग एग्जैक्ट देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी एक्सपेक्टेड जो हमारा रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया कि C3Br का आता है 2.7 पे आता है आपका पिक, ठीक है, डेल्टा PPM पे, तो वो क्या इधर आएंगे उधर आएंगे, हम C3Br का जो प्रोटॉन्स है अगर हम लोग CH3CH2Br कर देंगे तो क्या होगा, है ना, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates for the coming videos. And last, thank you. Keep watching.